जो है ना कर लेते हो फूड फूड डिलीवरी की जॉब अप्लाई करते हो, जो कि यहाँ पे 3 कंपनीज 4 कंपनीज नाउ कर रही हैं। फडूरा है, उबर उबर है, उसके बाद वोल्ट है और बोल्ट। ये 4 कंपनी अभी जो है ना स्टॉकहोम में जो है ना वो ऑपरेट कर रही हैं अपनी फूड डिलीवरी के ऑपरेशन को। इनकी जॉब जो है ना वो आपको इजीली मिल जाती है। आई थिंक ये कितना इजीली मिल जाती है? क्या कोई रिक्वायरमेंट है? कोई लाइसेंस होना चाहिए? कोई बाइक होनी चाहिए? मोटरसाइकिल होना चाहिए? कार होनी चाहिए? क्या चीज चाहिए इनको जॉब की? कोई रिक्वायरमेंट? इफ यू हैव अ साइकिल, आपके पास साइकिल है, ठीक है। अगर आप जो है ना वो साइकिल के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको इजीली मिल जाती है फुडोरा की जॉब इनिशियली, ठीक है। देन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर भी बेस्ड ऑन उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो, ठीक है, गाड़ी हो या मोपेड हो, ठीक है, तो आप उसके ऊपर भी आपको ना इजीली जो है ना ये फूड डिलीवरी की जॉब पार्ट टाइम आपको मिल जाती है, जिससे आप जो है ना वो आप इतना कह सकते हो कि आप कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू हो गए, जो आपके सर्वाइवल में जो है ना वो आपका साथ देगा। मैं शायद आपकी तरफ आता हूँ फूड डिलीवरी के अलावा। जहरी बात है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, 2018 में आए हैं। आपको पता होगा कि इसके अलावा भी कौन कौन सी जगह पे ब्लू कलर जॉब मिल सकती है। मैं जाता हूँ तला की तरफ। तला, आप बताइएगा कि आप यहाँ पे आए, मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया, आपने जॉब सर्चिंग शुरू की, कितना आसानी था, कितना आसान था, किस किस्म की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और कितनी जल्दी मिल जाती है? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर जी कीजिए। बिल्कुल सुहेल भाई, जब मैं आया और मेरे साथ और भी आने वाले काफ़ी लड़के थे, और जैसे आपने कहा कि हम लोगों की फिक्र होती है कि हमने अपनी फीसेस पूरी करनी है और साथ पढ़ना भी है और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के चलना है, तो मेरी भी उसी तरह ये प्रेफरेंस थी कि मैं आऊँ और मैं पढ़ाई के साथ साथ किसी किस्म की जॉब करके कुछ अर्न करके अपनी फीस को सपोर्ट कर सकूँ। ठीक है, मैं 19 अगस्त 2018 को इधर आया था और आते साथ ही मैंने ये जॉब सर्च शुरू कर दी थी। जैसे साथ बता रहे थे अभी कि हमारे पास इधर स्वीडन में, खास करके स्टॉकहोम में, काफ़ी कंपनीज हैं फूड डिलीवरी वाली हैं। इनके साथ साथ और भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिलीवरी के काम को सपोर्ट करती हैं, जिसमें सिर्फ फूड डिलीवरी ना सही और चीज़ें हैं, जैसे कि आइटम प्रोडक्ट डिलीवरी, जैसे टिप टैप नामी कंपनी है जिसमें आप हायर कर ग्रेट, सकते गुड, हैं जबरदस्त, ग्रेट। किसी गाड़ी को या किसी स्कूटर को, जो कि आपकी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुझे डिलीवर कर मटेरियल सकते दे हैं। दिया आप लोगों ने, एक जी मैं वीडियो बनाऊंगा टिप टाइप पे, मैं भूल गया था। जी हाँ जी, इसी तरह मूव बाय बाइक या मूव माय बाइक के नाम से है, इसी तरह बुद्वी के नाम से हैं ये कंपनीज हैं, और साइकिल पे ही आप पोस्ट डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं। मैं जब आया था तो मुझे, मेरे से पहले इधर रहने वाले लोगों ने मुझे पब्लिसिटी के काम के बारे में बताया, जिसको इधर प्रीमो के नाम से मशहूर किया, प्रीमो कहते हैं उसे, वो काम न्यूज़पेपर है डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के काम के बारे में बताया। टेंशन ना लो, मैं किंग हूं उस काम का। जी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, मैंने उस उन जगहों पे अप्लाई किया। 2018 में इधर एक नया कल्चर और नया बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ था ई स्कूटर्स के नाम से, ये जो ई स्कूटर राइड शेयरिंग, जैसे कि बाकी दुनिया में ऊबर, करीम और बोल्ट वगैरह की नामी कंपनीज हैं जो कि आपको गाड़ी प्रोवाइड करती हैं जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं, या जर्मनी, इटली जैसे मुल्कों में ड्राइव नाउ के नाम से कंपनीज हैं या कार्टुगो के नाम से हैं जिसमें आप गाड़ी रेंट कर सकते हैं। स्टॉकहोम में एक नया बिजनेस लॉन्च हुआ वॉय के नाम से, जिसपे आप ई स्कूटर्स जो हैं वो रेंट आउट कर सकते हैं और जो है उनको आप पर मिनट या पर सेकेंड उसका आप पे करेंगे और वो आप चला सकते हैं। उसी कंपनी को का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह था कि कुछ लोग उनको रेंट आउट करके चलाएंगे और फिर सेम इसी तरह आम आवाम जो है उसी कंपनी का पार्ट बन सकती है, पार्ट टाइम जॉब कर सकती है, और उन स्कूटर्स को स्ट्रीट्स से उठा के चार्ज करके वापस स्ट्रीट पे छोड़ेंगे तो उनको उसके लिए पैसे मिल जाते थे। इनिशियली 26 अगस्त को उनका एक इंट्रो सेशन KTH यूनिवर्सिटी में ही हुआ, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मुझे पता लगा कि इस तरह की जॉब इनके पास अवेलेबल है, जिसमें आपको कोई, आपकी क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है किसी किस्म के, आपको लाइसेंस कुछ भी नहीं चाहिए, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उनका मोबाइल ऐप थी जिसपे मैं पाता था कि यहाँ पे स्कूटर्स चार्जिंग के लिए अवेलेबल हैं, आप इनको उठाएं,
अपनी किसी भी लोकेशन ले जाएं, चार्ज करें और वापस स्ट्रीट पे छोड़ दें, तो वो आपको पर स्कूटर तब 2018 में 70 क्रोन यानी कि रफली 7 यूरो पर चार्ज देते थे, और आप जितने ज्यादा स्कूटर चार्ज करेंगे उतनी पेमेंट आपको मिलती चली जाएगी। इस तरह से मैं वही का काम मैंने स्टार्ट किया, ये वाला कुछ अरसा 10-15 दिन मैंने ये काम किया। तो मैं उन तब वही एक नया स्टार्टअप था जिसमें बहुत कम लोग थे, 17-18 लोग थे, और हम मैं और मेरे साथ एक और दोस्त, हम वही के उन लोगों से इंट्रोड्यूस हुए। उन्होंने अपने वेयर हाउस का विजिट कराया और उनके पास अपने वेयर हाउस में कुछ जॉब्स थी उन्हीं स्कूटर्स को रिपेयर करने और उन मतलब नए स्कूटर्स असेंबल करने, उनको रिपेयर करने और बायर स्ट्रीट्स में छोड़ने की जॉब अवेलेबल थी। हमने उधर अप्लाई किया, मैंने और मेरे एक और दोस्त ने, वो भी मेरे साथ मास्टर्स के लिए आया था, तो हमें वो जॉब मिल गई। तब हमें 125 क्रोन पर घंटा पार्ट टाइम पर वो जॉब ऑफर हुई, जो कि हमने ली और हम वो जॉब करने लग गए। वो जॉब करते हमें 21 दिन गुजरे थे, तो हम उसी कंपनी के अंदर ही हमें एक और उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट से हमारे डिस्कशंस हुई और कुछ इनिशियल इंटरव्यू हुए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, जबकि मेरा बैकग्राउंड 3 साल 3.5 साल का डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस था, और मेरे साथ जो दोस्त था उसका रफली 1.5-1 साल का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मतलब हमारी डेटा नीड्स जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, तो आप हमें एज ए डेटा साइंटिस्ट दोनों ज्वाइन कर लें। तो तब उन्होंने हमें रफली अगेन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि हम जब आए थे तो ऑब्वियसली हमारे 30 क्रेडिट्स पूरे नहीं थे हुए और हम फुल टाइम जॉब नहीं थे कर सकते, इसलिए उन्होंने हमें पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखा, जिसकी रफली पे थी 200 क्रोन पर घंटा, पर हम पर कोई लिमिट नहीं थी कि आप कितने घंटे लगा सकते हैं। तो हम रफली फुल टाइम के इक्विवेलेंट 160 घंटे ही लगाते थे। तो इस तरह मैंने जो है इधर स्टॉकहोम में जॉब ढूंढी, और अल्लाह के करम से मुझे रिलेटिवली, मैं अगस्त में आया था और 16 अक्टूबर को मुझे मेरी अपनी फील्ड की जॉब मिल चुकी थी। अच्छा, ये बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी है तला की। स्टार्ट इन्होंने क्या लिया, एक कंपनी है इनकी यूनिवर्सिटी में आती है, वो वहाँ पे डेमो देते हैं, ये स्टार्ट एज अ ब्लू कलर जॉब इन्होंने लिया, बट लेटर ऑन ये ब्लू कलर से उसी कंपनी के अंदर इनको अपॉर्चुनिटी मिली और ये व्हाइट कलर में दाखिल होंगे, और आज माशाल्लाह ये बेहतरीन कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, मेरे कुलीग रहे हैं और अब आगे से आगे पहुंच चुके हैं। तो इसमें मैं कुछ बातें इधर मेंशन करना चाहूंगा, लोगों को ये चीज कंसर्न करेगी। इधर का कल्चर, स्वीडन का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज में फेवरेबल है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है अप या डाउन स्टेप कर सकते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी क्वालिफिकेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग है तो आप इंटरनली बात करके स्विच कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे। दूसरी चीज मैं इधर मेंशन करना चाहूंगा कि इधर आईटी से रिलेटेड जितनी जॉब्स हैं, जैसे साद ने पहले बताया कि लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, बिल्कुल बैरियर है, लेकिन एक एक्सेप्शन इधर है कि आईटी से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं जिनमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डेटा साइंस, क्वालिटी एश्योरेंस और इस तरह की बेशुमार जो आईटी से रिलेटेड जॉब्स हैं, उनमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बेशुमार इधर कंपनीज हैं, खास करके जो नई कंपनीज हैं, वो प्रेफर करती हैं, तरजीह देती हैं ऐसे बंदे को जो कि इंग्लिश अच्छी बोल लेता हो, इंग्लिश में फ्लुएंट हो, क्योंकि वो डाइवर्स कल्चर को प्रमोट करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर है। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे लोग आकर आईटी कंपनीज में अप्लाई करने से झिझकते हैं, ठीक है, ऐसा ना किया जाए, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आप एक्टिवली अप्लाई करें और जो है जो भी आते हैं, अगर आपका बिल्कुल थोड़ा सा भी आईटी का बैकग्राउंड है तो आप ज़रूर आके अप्लाई करें, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। खुद को अंडरसेल भी ना करें, आप आए, अगर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर करें। अव्वल तो पहले आप स्टडीज़ के लिए आए हैं तो उनको तरजीह दें। मैंने बड़ी मुश्किल से, दोस्त जैसे साथ बता रहे थे आपको साथ साथ पढ़ना पड़ता है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जॉब फुल टाइम जॉब के साथ स्टडीज़ को कोप किया, जो कि काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए दोस्त, लेकिन करना पड़ता है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ 2-3 टिप्स हैं आने वालों के लिए। अच्छा, मैं आऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे कि आपने स्टडी कंप्लीट नहीं की, यहाँ पे कंपनीज कितनी, बाद में तला आपकी तरफ आता हूँ, कि कितनी विलिंग होती हैं कि आपको वीजा आपका अप्लाई दूसरा कर दें,
स्टूडेंट से दूसरे वीजे में भी तो जाना है ना अभी हमने। हाँ जी, सब जी। लेकिन मैं एक सुनने वालों को बताता चलूं जिन्होंने बाद में भी सुनना है कि इससे ज्यादा मैंने एक्साइटिंग इंटरव्यू पहले कभी नहीं किया। इतनी होप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, इतनी उम्मीद ये दे रहे हैं। हम लोग जब आए थे 2007 में तो दो जॉब्स थी, सिर्फ दो या तीन जॉब, जिनमें से एक थी प्रीमो और दूसरी SDR, कोई अखबार फेंकने की, जिसकी 25 करोड़ पर आवर मिलता था। सिर्फ दो जॉब्स थी। हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त तला भी जानता है, मोहम्मद तला, ये वो जितने हम कोलीग रहे हैं, वो SDR करते रहे हैं 25 करोड़ पर आवर के हिसाब से। हम लोगों ने वो बड़ा टफ टफ टाइम देखे, हमने बर्फे तक उठाई है। लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज जिस तरह ये बता रहे हैं, टिप टैप का भी इन्होंने बताया, मैं जेन से बिल्कुल निकल गया था। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहां पे कैसे आप अकाउंट क्रिएट करके काम ले सकते हैं। इसी तरह साध ने चार कंपनीज के बारे में बताया, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप बड़े शहर में, अब आपके ऊपर है आप कितना खेल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है। अच्छा साध, अब मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज तो है, चलो ठीक है जी, 70,000 करोड़ निकालना यार, बच्चों वाला खेल नहीं है। हमारे तो हम फुल टाइम जॉब करते हैं तो यकीन करो कि 3,000 करोड़ नहीं बचता। सीधी सी बात है, हमसे नहीं बचता 3,000 करोड़ महीने का भी। तो आप लोग जो है वो और जॉब करनी है, 70,000 कमाना है, पूरी रात काम पे जाना है, स्टडी कंप्लीट करनी है, 30 क्रेडिट्स नहीं होंगे तो वीजा नहीं मिलेगा, किस तरह ये मैनेज करते हो? थोड़ा सा यार आने वालों को बता दो, वरना उनको को घर में बैठे रहो। ये थोड़ा सा ना, मैं अगर सादे लफ्जों में अगर दोबारा आपसे बात करूं तो वो है थोड़ा सा जिगरा दिखाने वाली बात है। ठीक है, तो सेंस ये अपना, मतलब मैंने थोड़ी सी प्लानिंग ये की थी कि जब मैं आया था तो मुझे पता लग गया था कि अच्छा यार फीस निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने ये थोड़ी सी प्लानिंग करना पहले से शुरू कर दी थी। मैंने अपना जो है ना वो मंथली एक्सपेंस है उसको देखा कि अच्छा मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है, उसके बाद मेरी आमदनी कितनी है, ठीक है इसको मैं किस तरह मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना कैलकुलेट करनी थी। क्या हुआ, मैंने जो है ना जॉब जब फुडोरा स्टार्ट करना शुरू की तो मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर मई में फीस, हाँ जी जी तो फिर ये मैंने कैलकुलेट करना थोड़ी बहुत चीजें शुरू की थी और उसके ऊपर मैंने एक प्लान बनाया था कि अच्छा यार मैं अगर इस तरह काम करूंगा, इस तरह मैंने अपनी स्टडीज को टाइम देना है, ठीक है घर आके मुझे इतना काम, मतलब ये इन चीजों के ऊपर टाइम अपना सर्व करना है, बाहर मुझे जो है ना वो अगर जितना काम मुझे मिलना है ठीक है मैंने उस हिसाब से जो है ना वो जो है ना स्पेंड करना है बाहर काम के लिए। तो ये जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था अर्ली, थोड़ी सी इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। May 31st को मुझे याद है मैंने फीस जो है ना वो सबमिट करवानी थी और मैंने कुछ पैसे, मतलब जो है ना तब कोविड का भी एक, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कोविड का इस चीज़ के ऊपर जो है ना डिलीवरी जॉब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। ठीक है, वो ये हुआ था कि डिलीवरी का काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था, फूड डिलीवरी का स्पेसिफिकली। तो मैंने जो है ना उस अपॉर्चुनिटी में का फायदा उठाया, मैंने ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस सारे प्रोसेस के अंदर मेरी स्टडीज के ऊपर इफेक्ट भी हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं उसको भी कॉप अप कर चुका था। तो मैं आपको अगर रफली बता देता हूँ, मैंने कुछ 40,000 करोड़ जो है ना वो अपने जमा कर लिए थे 31 मतलब मई तक। उसके बाद जो है ना मेरे बनते थे 37,000 जो है ना वो मैंने करोन मेरे रहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे कुछ मेरे जो सात दोस्त थे वो काफ़ी अच्छे थे, कुछ स्कॉलरशिप के ऊपर आए हुए थे और कुछ के ऊपर जो है ना मतलब कुछ के पास अपने पैसे बने हुए थे। तो उन्होंने सब, मैंने सबके साथ असल में मशवरा किया था कि अच्छा यार मैं स्टडीज़ के ऊपर जो है ना मैं स्टडीज कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। हालांकि फिर मेरे पास उस टाइम दो ऑप्शन आते थे, ज्यादातर जो जहाँ पे पाकिस्तानी बंदे आते हैं वो बिजनेस वीजा के ऊपर चले जाते हैं जब फीस देने की बारी आती है। वो हर बंदा जो है ना वो फीस देने से डरता है यहाँ पे स्वीडन में, अगर मैं आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा, मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा यकीन किया कि मैं जो है ना इन चीजों को सर्वाइव कर जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े पैसे जो है ना उधार लिए, थोड़े थोड़े पैसे हर बंदे से उधार लिए, तो मैंने अपनी फीस दे दी। मैंने हर मतलब दोस्त को जो है ना एक टाइम पर दिया था कि भाई मैं अगस्त तक जो है ना आपके पैसे उतार सकता हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र है जिस जो टाइम जिस तारीख को मैंने अगले को जो है ना वादा किया था
तो वो जो है ना मैंने उस चीज को पूरा किया था, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो यही मैंने था। साथ ये जब कोविड की सिचुएशन आ गई, जरी बात है आप 2018 में आए हो, अगर मैं हिसाब लगाना शुरू कर दूं